हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बर्मा स्पेशल भिंडी से बनाना बताऊंगी। ये देखिए, ये मेरे पास आधा केजी भिंडी है। ये आधा केजी भिंडी है जिन्हें मैंने धोकर इनके आगे और पीछे के ये वेस्ट चीज काट दी है और इन्हें बीच में से कट लगा दिया है, क्योंकि इसमें हमें मसाला भरना पड़ेगा। ऐसे हमें सभी भिंडियों में कर लेना है और इससे ये भी पता चल जाता है कि कोई भिंडी खराब तो नहीं है जिसे हम हटा सकें। खराब हो तो हटा दो। देखिए, अब इसको जो हमें मसाले भरने हैं इस भिंडी में, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी नमक की, मिर्ची पाउडर और खटाई, धनिया पाउडर, सौंफ, गरम मसाला, हल्दी, जीरा और कुछ खड़ा मसाला। खड़े मसाले में तेज पत्ता, लाल मिर्च साबुत और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा। ग्रेवी बनाने के लिए हमें 4 टमाटर जो मैंने इतने बड़े बड़े पीसेस में काट लिए हैं, और 1 बड़ा प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट और 2-3 हरी मिर्च जो लंबे टुकड़ों में काट लिए हैं, और 2 चम्मच दही और तलने के लिए ऑयल ग्रेवी बनाने के लिए। भिंडी में भरने के लिए पहले हम मसाला तैयार करेंगे। 1 चम्मच के करीब नमक, अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, 1-1.5-2 चम्मच जैसा जिसको पसंद है नमक। 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच सौंफ, धनिया थोड़ा ज्यादा लेंगे, 1 चम्मच मिर्च, 1 गरम मसाला, 1 खटाई, क्योंकि अगर ज्यादा खटाई डाल लेंगे तो फिर वो मसाले में भी हम दही और खटाई डालेंगे इसलिए ज्यादा खट्टी हो जाएगी, इसलिए इसमें कम खट्टा भरेंगे। इसको ऐसे मिला लेंगे। मसाला मैंने सारा मिक्स कर लिया है। अब इसको ऐसे भिंडी को खोल के इसमें ऐसे मसाला भर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सारी भिंडियों में ऐसे मसाला भर लेंगे। ऐसा करके सारी भिंडियों में भर लेंगे हम मसाला, थोड़ा थोड़ा भरेंगे, इतना भी नहीं कि फुल फुल भर दो और मसाला ग्रेवी में निकल जाएगा तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके भिंडियों में भर देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन कर देंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 2-3 चम्मच के करीब ऑयल डाल देंगे, इसे गरम होने देंगे। ये देखिए, हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें प्याज डाल देंगे, इसे हम थोड़ी देर के लिए चलाएंगे जिससे कि ये थोड़ा भुन जाए। ये देखिए, ये हमारी प्याज थोड़ी भुन चुकी है। अब इसमें जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। अब इसको भी भून लेंगे। ये देखिए, ये भी हमारा भुन चुका है। अब हम ये टमाटर इसमें डाल देंगे, इसे भी हम भून लेंगे। इसमें हम थोड़ा नमक डाल देंगे और हल्दी पाउडर डाल देंगे। और इसको चलाएंगे जब तक ये भुनना जाए। फिर इसको के भुनने के बाद इस ग्रेवी को निकाल कर ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये देखिए, ये हमारी भुन चुकी है। इसको ऑफ कर देंगे गैस को और इसको हम निकाल लेंगे ग्रेवी को, फिर इसको पीस लेंगे। ये देखिए, जो हमने दही लिया था इसमें थोड़ा सा हम मसाला फूलने के लिए रख देंगे। इसमें 1 चम्मच सौंफ डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना है तो नहीं भी डाल सकते हो। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च,
एक चम्मच गरम मसाला, धनिया पाउडर दो चम्मच, धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक, अब इसको ऐसे मिला के इस मसाले को फूलने रख देंगे। पहले पुराने टाइम में क्या करते थे कि मसाला सिल बटना से पीस के तब सब्जियां बनाया करते थे, तो अब हम सिलबटना तो चलाते नहीं है, इसलिए दही में हम इस मसाले को फूलने के लिए रख देंगे। अब हम कढ़ाई में फिर से ऑयल डालेंगे, ये थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, अब इसको गरम करेंगे। ये देखिए अब हमारा ऑयल गरम हो चुका है, इसमें हींग डाल देंगे, जीरा डाल देंगे दो चम्मच, और ये हरी मिर्च जो थी उसको डालने से पहले हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें, जिससे कि इसके बीज जो हैं चटके नहीं। देखिए अब इसको हम निकाल लेंगे मिर्चों को, अब हम इसे फिर से ऑन करेंगे और इसमें ये खड़ा मसाला डालेंगे, ये गरम हो जाए, ये एक तेज पत्ता डाल देंगे इसमें हम, दो लाल मिर्च साबुत और एक दालचीनी। ये हमारे हो चुके हैं, और जो हमने जो ग्रेवी बनाई थी इसे भी डाल देंगे। ये देखिए हमारी प्यूरी बन रही है, अब इसमें जो हमने मसाला फुलाने रखा था दही में उस मसाले को भी डाल देंगे इसमें। ये देखिए अब इसे जब तक चलाते रहेंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़ जाए। ये देखिए अब ये हमारी ग्रेवी ऑयल छोड़ गई है, अब जो हमने मिर्च तली थी उन्हें भी इसमें डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब हम फ्लेम को कम कर देंगे और ये भिंडियां, सारी भिंडियां हम इसमें डाल देंगे। ऐसे मिला देंगे, अब हम फ्लेम को कम करके इसको ढककर रख देंगे, फिर इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहेंगे कि ये हो गई कि नहीं हो गई। ये देखिए भिंडियों को बीच बीच में चलाते रहिए जिससे कि ये लग ना जाए। ये देखिए लगभग हमारी भिंडी बनने ही वाली है, इसको मैंने बीच बीच में ऐसे चला रही थी। ये देखिए ऐसे दबा के चेक कर लो, ये बनने ही वाली है, बस दो मिनट के लिए, और इसको ढककर रख देते हैं। देखिए भिंडी बन चुकी है, लेकिन आप सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, शेयर भी करना, और पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दिखाना और लाइक का बटन जरूर दबाना। ये है हमारी मसालेदार स्पेशल भिंडी। अब मैं आपको अपनी नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वार मिलती हूँ। बाय।